कर रहे हैं। आपकी ये फर्स्ट चैप्टर है भारत की स्थिति, जो भारत की लोकेशन पूरे ग्लोब के अंदर है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपकी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, क्लियर टू यू। तो देखिए, सबसे पहले मैं भारत की स्थिति आपको ग्लोब में दिखाना चाहती हूँ। ग्लोब की मैं बात करती हूँ, ये हमारा ग्लोब यदि मैंने बना दिया, देखिए ग्लोब में पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो पूरे अर्थ को जब रिप्रेजेंट किया गया है तो ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा, बिल्कुल सेंटर से। जो सेंटर से हमने काल्पनिक रेखा ली उसे 0 डिग्री का नाम दिया गया, क्लियर। जो हमारा अपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर से जाना जाता है। 0 डिग्री, देखिए जो हमारे हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, जो ग्लोब के ऊपर हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है, जैसे ये, ठीक है, ऐसे हमारी जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड्स बेटा, और हिंदी में बोलते हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं। हो गया क्लियर। और यदि मैं यही लाइन वर्टिकल्स उसमें लेती हूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, जिन्हें देशांतर रेखाएं भी कहा जाता है। हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत की स्थिति सबसे पहले मैं ग्लोब में देखती हूँ कहाँ पर है बेटा, 0 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। हमारी जो सिचुएशन है वो कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 8 डिग्री से और नियर अप्रोक्स 37 डिग्री तक है। तो देखिए, ये पहली बात, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरी बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट डायरेक्शन में है, ये आपकी नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ये आपकी ईस्ट वाली डायरेक्शन बेटा, एंड दिस इज़ योर वेस्ट। तो इंडिया की लोकेशन बेटा क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट लोकेशन हो गई। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब देखिए, अब अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे इंडिया की, तो आपको इंडिया के हर स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। टोटल हमारे स्टेट कितने हैं एट प्रेजेंट, 28 हैं, ठीक है। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो अब कितनी हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आपको इंडिया का मैप फील करना आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जो मेरी कॉमन ज्योग्राफी की वीडियो है वहाँ से आप इंडिया के मैप के बारे में देख सकते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। पिछले कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखिए, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार देखना है आपको इसका, और देशांतर विस्तार आपको इसका देखना है। तो देखिए, क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। आपको पता है हमारा टॉप मोस्ट स्टेट जो है वो कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर, जिसे आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टू यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख एंड जम्मू में डिवाइड कर दिया गया है। और यदि पूर्व में हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, और पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतर्गत अक्षेत्र आगे समुंदर की ओर 12 मील तक होता है। 12 समुद्री मील का मतलब बेटा कितना है, 21.9 किलोमीटर है। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक मानक मील किसके इक्वल होता है, 1.6 किलोमीटर के, और यदि समुद्री मील की बात करूँ तो बेटा वो 1.8 किलोमीटर के इक्वल हो जाता है। हमारे देश की दक्षिण में बंगाल की खाड़ी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतर विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। क्लियर हो गया आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जिसका विस्तार इसने 6 डिग्री 45 मिनट तक बताया है। और ये यहाँ मैं देखूँ तो देखिए, 8 डिग्री के नियर अप्रोक्स भारत का दक्षिणतम लास्ट पॉइंट, और यहाँ पर मैं देखूँ तो ऊपर हमारा नियर अप्रोक्स 37 डिग्री तक है, ठीक है। और यहाँ ये ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है बेटा, और दक्षिण में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु और केरल जो स्टेट हैं वो हमारे लगते हैं, और तमिलनाडु का बिल्कुल लास्ट पार्ट कन्याकुमारी हमारा
क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब यहाँ हम देखें बेटा, ये गुजरात स्टेट है, ठीक है, ये हमारा 68 degrees 7 minutes है, और यहाँ हम देखें तो ये हमारा 96 degrees के आसपास है। यहाँ पर बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो हमारा है वो है अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपके मैप की चार डायरेक्शन होती हैं, दिस इज़ ईस्टर्न, ये हमारी वेस्टर्न, ये हमारी नॉर्थ वाली डायरेक्शन एंड ये हमारी साउथ वाली डायरेक्शन। हो गया आपको इतना क्लियर। फिर देखिए उसके बाद ये कहता है कि यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 degrees है। दोनों ही में डिफरेंसेस देखूं, मैंने आपको बताया जो हमारा उत्तरी और उत्तर से दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, वो कितना है, ऊपर हमारा 37 degrees नियर अप्रोक्स, नीचे 8 degrees। सब्ट्रैक्ट करते हूँ नियर अप्रोक्स 29 आ जाता है, 30 के आसपास। तो और इधर यदि मैं देखूँ तो 68, उधर 97, ये भी 30 degrees के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो हमारा उत्तरी और दक्षिणी और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो भारत का विस्तार है वह कितना है, 30 degrees के आसपास है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है, 3,214 kilometers है, और पूर्व से पश्चिम इसकी दूरी कितनी है, 2,933 kilometers है। इस अंतर का कारण क्या है, इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल कार्य भाग एक के अक्षांश देशांतर तथा समय के अध्याय चैप्टर 3 को देखें। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर समय दो दिशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी होती है। देखिए दोनों तरफ 30 degrees का बेटा डिफरेंस है, उसके बावजूद यदि मैं किलोमीटर का डिफरेंसेस देखती हूँ तो किलोमीटर मेरे जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक हैं वो ज़्यादा हैं, 3,214 kilometers हैं, और पूर्व से पश्चिम तक मैं देखती हूँ तो मेरा डिस्टेंस कितना है, 2,933 kilometers है। इसका एग्जैक्टली रीज़न इसने क्या बताया है कि ध्रुवों की ओर समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो घटती जाती है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। देखिए जब हम ध्रुव की तरफ, पोल्स की तरफ जाते हैं तो उस टाइम पे यदि मैं अपने लॉन्गिट्यूड की बात करूँ, ठीक है, यदि मैं अपने लॉन्गिट्यूड की बात, दो अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो उनके बीच की एक जैसी दूरी रहती है, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में है, और उत्तरी जो हिस्सा है वह उपोष्ण कटिबंध में है, और कोषण शीतोष्ण कटिबंध कहा जा सकता है। यह स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों, प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाली विविधता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। जो देशांतरीय विस्तार है हमारा, ठीक है, 68 degrees के आसपास से स्टार्ट होता है, जो 97.25 के आसपास ख़त्म होता है, ठीक है, तो उसके हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हम देखते हैं। देशांतर रेखाओं के मानक से स्पष्ट है कि इनमें लगभग 30 degrees का अंतर है। देखिए बेटा 1 degree 9th class में भी आप कर चुके हैं, 1 degree किसके इक्वल होता है, 4 minutes के इक्वल होता है। 30 degrees का डिफरेंस है, दैट मीन्स 30 into 4 कितने डिफरेंस हो गया, 120 minutes, दैट मीन्स 2 hours का। यदि मैं एग्जैक्टली देखूँ तो 68 degrees गुजरात की बात करती हूँ और 97 अरुणाचल प्रदेश की बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो समय का डिफरेंस आया बेटा वो 2 hours का आ गया, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, जो भारत का समय जहाँ से लिया गया है, जो रेखा निर्धारित की वह 82.5 degrees है, GMT लाइन से वह 5.5 degrees आगे है, और GMT लाइन 0 degrees है। 0 degrees कहाँ से गुजरती है बेटा, लंदन से होते हुए गुजरती हैं। अब देखिए जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है, अब भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ 1 जैसा समय दिखाती हैं, ऐसा क्यों होता है।
भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक यमुनोत्तर गुजरती है, ठीक है। जहाँ से हमारी 82.5 डिग्री गई है वो स्टेट आपको रिप्रेजेंट करने हैं। ये भी आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, 82.5 डिग्री बेटा कहाँ से गई हुई है, जो इंडिया स्टेट, इंडिया वाले स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे यूपी स्टेट से गई हुई है, ठीक है। और यूपी से क्रॉस करते हुए वो जिस जिस स्टेट से जाती है वो आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है बेटा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के जो धरातलीय स्थल है उसका यह लगभग 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत के पड़ोसी जो भारत से बड़े देशों के नाम याद हैं? देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो हमसे 7 बड़े देश हैं कौन कौन से हैं, हम 7वें नंबर पर हैं, ठीक है। RCCUBEI, ठीक है। रशिया है, चाइना है, कनाडा है, USA है, ब्राज़ील है, A stands for ऑस्ट्रेलिया, देन आफ्टर इंडिया। फर्स्ट पे रशिया, सेकंड पे चाइना, थर्ड कनाडा बेटा, फोर्थ USA एंड फिफ्थ इज ब्राज़ील एंड सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड I is इंडिया, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू एरिया कंट्री रिप्रेजेंट की है मैंने, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया। अब आकार की बात करते हैं बेटा, क्षेत्रफल आपको पता चल गया भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत हैं बेटा, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र ये हमारी मुख्य नदियां हैं, महानदी दक्षिण में, कृष्णा भी दक्षिण में है, गोदावरी कावेरी जैसी नदियां भी दक्षिण में स्थित हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनच्छेद पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंद कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, सुलेमान श्रेणियाँ अब जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृत्त भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अब अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता है। खैबर दर्रा है, बोलन है, सिपखला है, नाथुला है, बोमिडला जैसे कुछ पहाड़ियों दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगी। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा बेटे कितनी है, 7517 किलोमीटर है। अतः एक देश के रूप में भारत की भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग, जिसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। देखिए बेटा, तटीय जो हमारी सीमा यदि द्वीपों के साथ में देखूँ तो कितनी है, 7517 किलोमीटर है। ऐसे ही जो हमारी स्थलीय सीमा है बेटा वो कितनी है, 15200 किलोमीटर है, ठीक है। स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा बेटा हमारी कौन सी है, स्थलीय सीमा देखिए बेटा हमारी जो समुंदर से नहीं लगती, स्थल से लगती है। यहाँ से जैसे मैं स्टार्ट करूँ तो ये जो हमारे स्थल के साथ छूते हुए हमारी जो ये हमें दिखा रखा है, ठीक है, ये हमारी सारी क्या है, स्थलीय सीमा है, जो समुंदर को टच नहीं कर रही है। क्लियर टू यू। अब उसके बाद देखिए भारत एवं उसके पड़ोसी देशों की बात करते हैं। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस समुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा है। श्रीलंका और मालदीव
यदि कंट्री श्रीलंका और मालदीव बेटा हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, ये हमारी इनके साथ हमारी समुद्री सीमा लगती है। श्रीलंका भारत में मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, जिसे पाक स्ट्रेट बोला जाता है। क्या आप जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देश में अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किसी प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा की गई यात्रा के वर्ण को तटस्थ किया है। अब यहाँ से देखिए, पड़ोसी देशों की बात करते हैं बेटा, ये हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है। ऊपर से ये जो इतना सपाट है बेटा, ये हमारा अफगानिस्तान की सीमा से लगता है, ठीक है। ये हमारा चाइना पड़ोसी देश है, ये नेपाल है बेटा, और साथ में ये हमें भूटान दिया है। ये बांग्लादेश है, यहाँ से मैं बात करूँ तो म्यांमार कंट्री लगती है, जिसे पहले बर्मा बोला जाता था। ये श्रीलंका पाक स्ट्रेट द्वारा ये अलग हो रखा है, जिसे मन्नार की खाड़ी या पाक स्ट्रेट से आप बोल सकते हैं। ये है बे ऑफ बंगाल बेटा, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दे रखे हैं, ये हमारी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के हैं। एंड दीज आर द अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक बार स्टेट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इधर जम्मू और इधर लद्दाख, ठीक है। जम्मू और लद्दाख बेटा अब हमारी दो यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ स्टेट हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल लिखी हुई है शिमला है। फिर उसके साथ बेटा पंजाब राज्य लगा हुआ है। पंजाब से नीचे की तरफ आएंगे तो हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा के साथ लगता हुआ ये राज्य, राज्य के राजस्थान की जो कैपिटल है ये है हमारा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। ये गुजरात, गुजरात की कैपिटल बेटा गांधीनगर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें बेटा तो ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल मुंबई है। कर्नाटक और सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है, गोवा है। ये कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर दे रखी है। यहाँ से हम देखें तो ये केरल है, फिर तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में से अलग होकर 2014 में तेलंगाना स्टेट बना था। उड़ीसा, उड़ीसा के साथ लगता हुआ छत्तीसगढ़, और बीच में बिल्कुल जो हमारा हृदय कहा जाता है वह मध्य प्रदेश है। यूपी एक ऐसा स्टेट है बेटा, यूपी से अलग होकर यहाँ ये उत्तराखंड बना हुआ है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के साथ लगता हुआ। ये कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, जो हरियाणा से भी साथ लगती हैं और यूपी से भी साथ लगती हैं। यूपी ये एक ऐसा स्टेट है जिसकी जो जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ मैं बात करूँ तो ये हमारा बिहार स्टेट, बिहार से बिल्कुल झारखंड, इधर हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बेटा यहाँ ऊपर तक ऐसे इस तरीके से गया हुआ है। ये बिल्कुल जो इतना छोटा सा स्टेट है जिसकी कैपिटल गंगटोक है, ये सिक्किम है, ठीक है, जो नेपाल और भूटान के बीच में है। इधर हम देखें तो देखिए हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ ये जो बीच में स्टेट दे रखा है ऐसे करके, ये हमारा असम है। असम के यहाँ पर ये कौन सा बेटा, ये इतना यहाँ पर ऐसे बना हुआ, ये हमारा मेघालय है। बांग्लादेश को छूता हुआ हमारा कौन सा है, यहाँ पर त्रिपुरा है। और ये हम देखें तो यहाँ पर कौन सा है, मिजोरम। मिजोरम से ऊपर बेटा मणिपुर, मणिपुर से ऊपर नागालैंड स्टेट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए आप, मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जनरली जीके का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश को छूती है, ठीक है। तो देखिए आप काउंट कीजिए, फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल, देन आफ्टर कौन सा स्टेट है ये, मेघालय, थर्ड इज असम, फोर्थ इज बेटा, ये फोर्थ स्टेट कौन सा है, त्रिपुरा है, एंड फिफ्थ इज मिजोरम। क्लियर है, देखिए आपको मैप क्लियर है तो आप ये भी बता सकते हैं कि नेपाल के साथ हमारे कितने राज्य लगते हैं, उत्तराखंड एक, उत्तर प्रदेश दो, बिहार तीन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये हमारा सिक्किम चार। क्लियर हो गया इतना आपको। और यहाँ बिल्कुल आप ध्यान से देखें बेटा, ये हमारा वेस्ट बंगाल का जो ये पार्ट है ये भी नेपाल से लगता है। तो टोटल कितने हो गए, फाइव हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फाइव स्टेट नेपाल को टच करते हैं बेटा, एंड फाइव ही स्टेट हमारे किसको टच करते हैं, बांग्लादेश को करते हैं। इसी तरीके से आप देखिए भूटान को कितने स्टेट टच करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड इज़ वेस्ट बंगाल, थर्ड इज़ असम, ठीक है,
कितने स्टेट हो गए, 3, एंड फोर्थ इज अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। अब ये पूछा जाए आपसे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी हमारी चाइना से भी, आप देख सकते हैं कि चाइना से यदि पूछे, देखिए नेपाल से हमारे 4, सॉरी नेपाल से 5, बांग्लादेश से भी 5, भूटान से कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ चाइना की बात करूँ तो बेटा 1, 2, 3, ठीक है। अब उसके बाद 4 एंड 5 हमारे इसके साथ लगते हैं। यहाँ पाकिस्तान से भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, ठीक है, एंड 4। क्लियर हो गया आपको। नीचे हमारा श्रीलंका दे रखा है, पाक स्ट्रीट से अलग होता हुआ। आई थिंक मैप से रिलेटेड जो भी होगा वो आपको क्लियर हो गया। अब आपका काम क्या है बेटा, आपको 2 मैप फिल करने हैं। फर्स्ट आपको सभी स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेट्स जब आप फिल करेंगे तो आप उसके साथ यूनियन टेरेटरीज़ को भी फिल करेंगे। 8 यूनियन टेरेटरीज़ हैं तो आप 8 यूनियन टेरेटरीज़ भी फिल करना, 28 स्टेट्स भी आपको फिल करने हैं, ठीक है। देन आफ्टर जब आप सेकेंड मैप यूज़ करेंगे तो उसमें सभी स्टेट्स की कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया। क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में जब बेसिक कंसेप्ट, जब फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया की लोकेशन ज़रूरी पता होनी चाहिए, तभी आप इंडियन ज्योग्राफी को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिना मैप के इंडियन ज्योग्राफी क्लियर नहीं होगी। तो ये 2 काम आपके हैं, ठीक है, ये 2 काम आप करेंगे, 2 मैप आपको फिल करने हैं। क्लियर।